बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इरफान ताहिर। शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सूबाई मुहतसिब पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान से उनके दफ्तर में मुलाकात की। शहरियों के हकूक के तहफ्फुज़, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दोतरफा दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में शहीद ASI मोहम्मद अकरम को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब, मैनेजिंग डायरेक्टर समेत सीनियर अफसरान की शिरकत। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 69,324 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,489 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 51,981 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजशत 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 5,179 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 371 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। सूबे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की भर्तियां जिस्मानी मियार के पेमाइश बारे रिव्यू बोर्ड का सीनियर अफसरान की निगरानी में इनेकाद। और इन्वेस्टिगेशन पुलिस हरबंसपुरा इन एक्शन, चोरी में मुलविस घरेलू मुलाजमा गिरफ्तार, 40 लाख नकदी बरामद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सूबाई मुहतसिब पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान से उनके दफ्तर में मुलाकात की। शहरियों के हकूक के तहफ्फुज़, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। आईजी पंजाब ने शहरियों के हकूक के तहफ्फुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए सूबाई मुहतसिब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान की काविशों को सराहा। सूबाई मुहतसिब पंजाब ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को एजाजी शील्ड भी दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शहरियों की शिकायत के फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म पर अजाले के लिए सूबाई मुहतसिब का इदारा बेहतरीन खिदमात सरंजाम दे रहा है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में शहीद ASI मोहम्मद अकरम को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब मुनाकिद हुई। सेफ सिटीज़ की ऑपरेशन कमांड स्टाफ और मुख्तलिफ फोर्सेज के नुमाइंदगान ने तकरीब में शिरकत की। सेफ सिटी स्टाफ और अमले ने शहीद ASI मोहम्मद अकरम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ASI मोहम्मद अकरम ने डाकू का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। सेफ सिटीज़ तर्जुमान के मुताबिक ASI मोहम्मद अकरम ने फ़र्ज की राह में जान का नजराना पेश किया। पुलिस मुआशरे से जराइम के खात्मे के लिए सरगर्म है। उधर सुबह पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की भर्तियों के अमल में जिस्मानी मियार की पैमाइश बारे रिव्यू बोर्ड का सीनियर अफसरान की निगरानी में इनेकाद हुआ। पंजाब पुलिस में भर्तियों पर नजरसानी दरखास्तें देने वाले उम्मीदवारों की दोबारा जिस्मानी पैमाइश की जा रही है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस में जारी भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हरबंसपुरा की बड़ी कामयाबी, शहरी के घर से 40 लाख रुपए नकदी चोरी का मामला हल हो गया। मुलजमान गिरफ्तार, 40 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस हरबंसपुरा मोहम्मद आसिफ ने पुलिस टीम के हमला कार्रवाई करके नकबजन गैंग के खवातीन समेत 6 मुलजमान को बहावलपुर से गिरफ्तार करके 40 लाख रुपये नकदी बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुलजमान में शाह मोहम्मद, सलीम, हैदर, आसमा, समैया और मुआफिया शामिल हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस हरबंसपुरा मुलजमा आसमा और उसकी बेटी मुआफिया शहरी इकबाल के घर मुलाजमा थीं। शहरी इकबाल की अदम मौजूदगी पर मुलाजमा ने घर से 40 लाख रुपए नकदी चोरी करके साथियों समेत फरार हो गई थीं। मुलजमान को CCTV कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। आखिर में आपको बताएं कि महकमा मौसमियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 116, पंजाब यूनिवर्सिटी 106 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 110 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिनसे बचने के लिए हमें माहरीन सेहत की एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से मुतालिक अपडेट रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी टीवी।